अब बोल तो पीछे कोई नहीं दिख रहा, बाल भी देखते हैं क्या मामा? हाँ कौन दिखता है? डॉक्टर ही देखेंगे। हाँ, कोई डॉक्टर नहीं होते बाल वाले, सब अच्छे अच्छे होते हैं। अभी वो डॉक्टर लोगों की हड़ताल चल रही है, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी साड़ी कैसी लग रही है? अच्छे लग रही है। एक आई राधे राधे, सभी लोगों को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल नैन्सी को दिखाने। नैन्सी पढ़ाई की वजह से, पता नहीं किस वजह से, इनकी आँख में कई बार प्रॉब्लम हो चुकी है, तो एक दो बार चश्मा लग चुका, फिर ये लगाती नहीं, छोड़ देती हैं। तो इनके तीन चार दिन से ये सब मतलब पेन हो रहा है, तो वही डॉक्टर को आके डॉक्टर को जा रही हूँ दिखाने। और खाना वगैरह सुबह ही बना रही हूँ, अभी नहीं हो रहा, मतलब अभी सुबह सुबह ना, अभी थोड़ी देर में दोपहर पैसे सब्जी बना दी है सुबह में ही। बैंगन की सब्जी बना तो दिया, पर उस दिन खाई थी तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आप नहीं खाओगे, और आटा लगा के रख दिया है। तो अभी जा रही हूँ, फिर आऊँगी तो पूरी वगैरह कुछ बना दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल। लाइक गिरा, अभी बालकनी का दरवाजा भी बंद कर लेगा क्योंकि ये अकेला है ना, और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। दे दो इसकी नमकीन है तो। और जब हम लोग जाने लगे तो बोल रहा है दरवाजा बंद कर दीजिए, बालकनी को बंद कर दीजिए, लाइट जला दीजिए। और दिया अभी भी जल रही है, पूजा किया था जो चल रही है तो चल रहे। चलो आतंक मचा, बिस्तर में आतंक पूरा मचा हुआ है। आऊंगी तो सही करूंगी, अभी सब बेकार है। अरे देर हो रही, तू तो और बड़ा नौटंकी करता है। कोई उठ के ले ले, उल्टी टी शर्ट पहन के नीचे गया था। इसकी तमीज नहीं है, उल्टी टी शर्ट पहना हुई नीचे चला गया सामान लेने। आधार कार्ड है इसमें, वैसे जरूरत नहीं होती आधार कार्ड की, ऑनलाइन से होता है, ऑनलाइन कार्यक्रम होता है। अब जा मिल ब्रो से, तभी चला यो ब्रो। हाँ बालकनी बोल दो, पूरी वूड़ी निकाल के रखेगा, सब्जी बनी हुई है क्योंकि देर लगती है वहाँ पे, 11:30 यहीं पे बज रहा है, देखिए कब तक कितना टाइम लगता है। मैं भी एकदम चरवाहन बनी हुई हूँ, साड़ी कितनी भी अच्छी पहन लेती हूँ, किसी दिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये तो अपने नॉर्मल कपड़े में ही हर जगह चल देती हैं, अमीनाबाद भी और कहीं भी जाती हैं, जो घर के पहने रहती हैं वही पहन के चल देती है, अलग से तैयार नहीं होती हैं, सिंपल रहती है बहुत। पानी की बोतल बोलो तो ले लो, तुम्हें भी ये परसों अब कहाँ में रखोगी? ये पड़ा हुआ था परसों, मुझे लगा पैसा है, भाई झुक गई था मैं इनसे। उसके बाद देखा तो कुछ था, उसके बाद फिर मामा आए, जब सब्जी लेने गए थे मामा आए तो मामा भी झुक गए, सोचे पैसा है। मैंने बताया कि पैसा नहीं है, गोल गोल पड़ा हुआ है जीने पे, तो हम लोगों को लगा पैसा है। तो गाइस चल रहे हैं, आगे वीडियो में देखिएगा, शेयर करेंगे। हाँ सोच रहे हैं रिक्शा बैठ जाए तो रिक्शा ही नहीं मिल रहा है, और उनको रुकवाया आगे निकल गए। ये सामने ही है हॉस्पिटल, अरे यार आ गए, दो कदम पे है, चल रहे हैं हम नैन्सी, पैदल पैदल चले जा रहे हैं। हॉस्पिटल में आज बहुत भीड़ है, डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं नंबर आता है कि नहीं आता है, पर्ची बनवा ली हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, पब्लिक इतनी सारी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पब्लिक आई है, बहुत दूर दूर से लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे। ऐसी बोली आप बैठ जाइए, मैं खड़ी हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से बैठने की भी जगह नहीं है। तो देख रहे हैं पर्ची बन जाए, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है। गाइस फाइनली हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा लिया है, अब जा रहे हैं घर पैदल पैदल, उस बार भी गए थे इस बार भी आ गए, घर के सामने है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिधर आँख दिखानी थी उधर भीड़ नहीं थी, मतलब फीवर वगैरह का वायरल ज़्यादा है तो उसकी वजह से वहाँ उधर भीड़ ज़्यादा थी। और आँख वाले डॉक्टर मतलब चार बैठते हैं, 4 की 5, तो जैसे ही गए पर्ची बनवाए देखा तो भीड़ नहीं थी, तो दिखा लिया जल्दी से। एक ड्रॉप दिए हैं आँख में डालने के लिए नैन्सी को, और बोल ही नहीं पा रही, और एक जांच लिखे हैं जो कि आज नहीं हुई,
लेट हो गया, सुबह में 8:30 बजे होती है, तो बुलाए हैं तो कल या परसों में नैन्सी को लेके मैं आऊँगी या मनोज तिवारी आएंगे। घर पहुँच रहे तो रकाब घूम बता रहे, तो कल जांच होगी या परसों होगी देखते हैं। चलिए बना रहा हूँ। क्या बोल रही हो? तुम नहीं दिख रहे हो, आके उधर से घूम के आके देख लो। तुम उधर से आके देख लो, तुम दिख रहे हो कि नहीं? नहीं, उल्टी टी शर्ट मैंने दिखा दूंगा। सवेरे से उल्टी टी शर्ट पहन है। रेडी ना बोल तू। मुंह में छाला पड़ा है? नहीं। तो क्या हुआ? तूने एक बार इस क्लाइंट को अच्छे से बोल दिया। लिखा नहीं आ रहा। मैंने लिखा है क्या रैप? तो भी ये देखो, मुश्किल भी आ गया। क्या है का क्या है? बुखार चढ़ा हुआ है, जा रही हूँ खाना बनाऊंगी। सब्जी दाल जो बना अपने मर्जी से, कल से सब्जी भी नहीं बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी या सब्जी बनाऊंगी, सिर्फ चावल और रोटी बना के रख दिया करूंगी बस। जिसको जो खाना हो जाके लेके आए, बनाए और खाए। अब कल तो मैंने मैगी बना के खिला दिया, आलू गोभी की सब्जी बनाई वो भी नहीं खाए। अब आज आलू बैंगन की बनाई वो भी नहीं खाए। ना पढ़ना नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा। तो भाई अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं चल रही हूँ खाना बनाने। खाने में क्या बनाऊंगी अभी कुछ मालूम नहीं, कुछ डिसाइड नहीं है क्या बनेगा। तो चाय बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी, क्योंकि मुझे भी सर्दी जैसा हो रहा है, जुकाम जैसा, वायरल इतना ज़्यादा चला हो रहा है। और फिर क्या करूँगी मैं उसे, कुछ बोलो। क्या क्या करूँगी? खाना बनाऊंगी। तो सुनो भाई, कपड़ा नहीं बनता। अरे मेरा हाथ कांप रहा है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस यहाँ पे मैंने आलू भुजिया छोक दिया है, आलू भुजिया बना रही हूँ। जीरा और हींग लाल मिर्च का तड़का दिया है, इधर दाल चढ़ा रखा है, दाल हो रही है, और इधर नैन्सी बैठी हुई है, पढ़ाई कर रही हैं। तुमको नहीं दिखा रही, मुँह ना बना। और दाल में तड़का लगाऊंगी, किस चीज़ का लगाऊंगी पता नहीं, टमाटर का लगाऊँ कि ऐसे लगाऊँ, अभी खाने वाले लोग बताएंगे ना काहे का तड़का लगेगा। प्याज का तड़का लगाऊं, टमाटर प्याज का काहे ऐसे बोल देते हो? हमारे बुखार चढ़ा हुआ है। हाँ सादा वाला, हिम्मत नहीं हो रही तब भी खाना बना रही हूँ, बनाऊंगी और क्या। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, मनोज तिवारी कभी आए नहीं, 10 बजे वाले बोले थे 9 बजे आ जाऊंगा। अच्छा, आपने दाल चावल तो बना ही दिया है? दाल चावल आलू भुजिया सब बनाया है। तो मैं खा सकता हूं? अच्छा, अभी तो नौटंकी करा था, नहीं खाऊंगा। तो दाल बनाया, चावल बनाया, आलू भुजिया बनाया, अब जा रहे रोटी बनाने। मनोज तिवारी अभी आए नहीं है,
इन लोगों को दे दूंगी बना के, और इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगी गाइस। मिलूंगी आप लोगों से कल। नैन्सी नैन्सी भरे, इधर भी एक कोई है, उसको नहीं दिखाऊंगी, नहीं लड़ने लगता। जैसे वीडियो में ले लो वैसे लड़ने लगेगा, लड़ैया करने लगेगा, झगड़ा लड़ैया। और मेरे भी वायरल हो रहा। कल रात में लेटी थी, इतनी तेज़ ठंडी लगी, पूरा दांत वहाँ सब किड़किड़ाने लगा, इतनी तेज़ ठंडी लग रही थी कि पूछो ना। उसके बाद कुम्भी फ्लाम खाया एक, और फिर सो गई। सुबह उठी फिर एक खाई, हाथ पैर दर्द कर रहा था तो लग रहा था जैसे बुखार जैसा लग रहा है, तो फिर एक और खाया। अब मुझे भी लग रहा है कल दिखाना पड़ेगा। नैन्सी की आँख दिखा के आए, नैन्सी कल जाएंगी जो भी चेकअप होगा इनके आँख का। तो कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, रोज़ बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। और क्या बोले, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।